तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लिया। बीसीसीआई को ईमेल भेजा, फर्स्ट क्लास में झटके थे 420 विकेट। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कोरोना का हवाला देते हुए रद्द किया साउथ अफ्रीका का दौरा। इस फैसले से वो जून में होने वाली टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से लगभग बाहर। न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले फाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी भारत। इंग्लैंड सीरीज के बाद फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का होगा फैसला। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर से लिया कुछ दिन का ब्रेक, इसके पीछे की वजह नहीं बताई। जनवरी महीने में देश के निर्यात में हुई 5.37% की बढ़ोतरी, आयात भी 2% बढ़ा है। देश में बढ़ा चीनी का उत्पादन, अक्टूबर में जनवरी के बीच 25.37% की बढ़त के साथ 176 लाख टन रहा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज, ब्याज दरों में बदलाव की संभावना कम। एसबीआई से लेकर आया सुपर सेविंग डेज सेल, योनो से पेमेंट करने पर मिलेगा 50% तक का डिस्काउंट। 4 से 7 फरवरी तक के लिए ऑफर है। एचडीएफसी लिमिटेड ने कमाया तीसरी तिमाही में 5000 से ज्यादा करोड़ का मुनाफा। साल भर पहले इसी समय 3835 करोड़ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर रिटेल सौदे पर लगाई रोक, फैसला सुरक्षित रखना, अमेजॉन ने किया था डील का विरोध। टीवीएस की मोटरसाइकिल ने देश भर में मचाई धूम, कंपनी का दावा जनवरी महीने में 26% बड़ी बिक्री। टीवीएस जुपिटर जेड एक्स नई तकनीक इंटेलीगो के साथ लॉन्च हुआ, कंपनी का दावा इससे ईंधन की बचत होगी, पहले से ज्यादा माइलेज भी मिलेगा। ह्यूंडई की कारों की भारत में हो रही है बंपर खरीदारी, जनवरी महीने में 23.8% बड़ी बिक्री लेकिन कंपनी का निर्यात घटा। पोको C3 और Redmi 9 को टक्कर देने सैमसंग ने उतारा अपना सस्ता स्मार्टफोन गैलेक्सी MO2, 9 फरवरी से शुरू होगी बिक्री। आज खुलेगा ब्रुकफील्ड रीट का आईपीओ, पब्लिक इशू लॉन्च से पहले ही कंपनी ने 39 एंकर इन्वेस्टर्स से 1710 करोड़ जुटाने का दावा किया। ऑटो पार्ट्स कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेंशन के आईपीओ को सेबी की मिली इजाजत, इशू में 150 करोड़ के नए शेयर जारी कर सकती है कंपनी। मुहूर्त के चंद घंटों बाद ही मुंबई में कल प्रभास और सैफ की फिल्म आदि पुरुष के सेट पर भीषण आग लगी, क्रोमा सेट पूरी तरह से खाक। मुंबई के मलाड में रेट्रो ग्राउंड पर लगा था फिल्म आदि पुरुष का भव्य सेट, शाम करीब 4 बजे आग लग गई, 50 से 60 लोग मौजूद थे, सभी बाल बाल बचे। को प्रोड्यूसर टीसीडी सूत्रों ने एबीपी न्यूज से कहा शॉर्ट सर्किट से लगी फिल्म के सेट में आग, 12 फरवरी से प्रभास और सैफ शूट करने वाले थे। वेब सीरीज मिर्जापुर से जुड़े 7 लोगों को पुलिस का नोटिस, धार्मिक सामाजिक क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, 15 दिन में बयान दर्ज कराने को कहा। 2.5 साल बाद करण जौहर ने बंद की मल्टी स्टारर फिल्म तख्त, कोई वजह नहीं बताई, मुगल शासक औरंगजेब और तारा शिकोह की कहानी थी। क्रिकेटर शिखर धवन ने अक्षय कुमार के साथ शेयर की सेल्फी, फैंस बोले एक साथ दो गब्बर, जैसलमेर में बच्चन पांडे की शूटिंग कर रहे हैं अक्षय। आलिया भट्ट की नई फिल्म गंगूबाई काठियाबाड़ी के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने 70 करोड़ में खरीदे, संजय लीला भंसाली की है फिल्म। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।